वेलकम टू ओवर यूट्यूब चैनल। आज ये जानेंगे कि पीवीसी डोर के बारे में, यूपीवीसी डोर के बारे में, जैसे इसका क्या साइज रहता है, किस प्रकार की क्वालिटी होती है और क्या कॉस्ट पड़ती है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे 4 फीट बाई 7 फीट का डोर है, जो कि दिखने में कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे जैसे अपना ओपनेबल में लगन हो तो ये लॉक रहता है, और यहाँ पे जो सिस्टम रहता है, जैसे अपने को लॉक को यहाँ पे बंद करना हो तो यहाँ पे बंद भी कर सकते हो इस तरीके से। जैसे यहाँ पे पूरा लॉक कर देना रहता है यहाँ से, यदि ये अपने को नहीं जरूर रहती है तो। जैसे अपना यहाँ पे पूरा फ्रेम आ जाता है कुछ इस तरीके से दिखता है यहाँ पे। और इसमें जो लॉक का रहता है वो 3 खांचे में लॉक रहता है यहाँ पे, एक सेंटर में, एक नीचे और एक यहाँ पे ऊपर रहता है इस तरीके से। और इनकी जो फिनिशिंग आती है ये काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है, जहाँ जैसा आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से हिंज लगे रहते हैं ऊपर की साइड में, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहता है। और अंदर से यदि फिटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे पूरे फास्टनर का यूज किया जाता है, जैसा सामने देख रहे हो यहाँ पे फिटिंग के लिए। और इस तरीके से अंदर की साइड में देखेंगे बंद करके तो इस तरीके से दिखाई देती है। यदि इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो ये 500 रुपये स्क्वायर फीट के अराउंड में जाता है, डिपेंड ऑन योर साइज। जैसा यहाँ पे देख रहे हो, ये जैसे अपने को कलरिंग के लिए अपने को वाइट में चाहिए तो वाइट में रहता है, और यदि ग्रे में रहता है तो ग्रे के हिसाब से भी सेट हो जाता है। और जो ये डोर की रहती है, इनकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। जैसे ये अपने को बाहर वाले एरिया में यूज करना रहता है, जैसे टेरिस में हुआ अथवा अपने घर के अंदर भी यूज होता है, और इस तरीके से काफ़ी लुक में अच्छा दिखाई देता है ये देखने में। जैसे अपने को इनमें यदि स्लाइडिंग डोर की ज़रूरत रहती है तो स्लाइडिंग डोर भी रहता है, जैसे अपने को स्लाइडिंग डोर पे कहीं पे घर के लिए यूज़ करना रहता है तो स्लाइडिंग डोर की क्वालिटी रहती है, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आते हैं ये इस तरीके से है। जैसे यहाँ पे पूरे वैक्यूम लगे रहते हैं, जिससे बाहर का जो साउंड रहता है यहाँ पे, ये अलग से 2 पट्टी दी जाती है यहाँ पे, जैसा सामने देख रहे हो। तो इसमें जो यहाँ पे लगाने का ये रीज़न रहता है कि इसमें अपना बाहर का साउंड जो आता है वो बाहर से नहीं आ पाएगा, और जो अपना रहता है अंदर का वो भी साउंड बाहर नहीं जा पाएगा। यहाँ पे 2 रहती है, एक यहाँ पे। और जो यहाँ पे बीच वाला जो ये एरिया रहता है, यहाँ पे भी अलग से दिया जाता है ताकि साउंड बाहर जाने का और आने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता है इस तरीके से। सो थैंक यू, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू।